नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। सुबह के 6 बज चुके हैं और आज की वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेंगी, चलिए आपको बताते हैं। पहली बड़ी खबर, यूपी में धर्मांतरण गैंग पर शिकंजा कसता जा रहा है। धर्मांतरण केस की जांच अब एनआईए करेगी। धर्मांतरण की साजिश के हर राज से अब पर्दा उठने वाला है। फंडिंग से लेकर आतंकी कनेक्शन तक हर साजिश अब बेनकाब होने वाली है। दूसरी बड़ी खबर, कोलकाता से लेकर मुंबई तक फर्जी वैक्सीनेशन गैंग का पर्दाफाश हुआ है। सैकड़ों लोगों को फंसाकर उन्हें कोरोना की डोज लगाई जा रही है। ये भी बताएंगे कि कैसे एक सांसद भी इस फर्जी गैंग का शिकार हो गए। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिरकार गैंग के तार कहां कहां तक जुड़े हैं। तीसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर रेडियो के माध्यम से देश की जनता को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुबह 11 बजे होगा। बताएंगे पीएम मोदी आज किन मुद्दों पर देश की जनता से संवाद करने वाले हैं। चौथी बड़ी खबर कौन सी है वो भी आप जान लीजिए। यूपी में बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जन जागरूकता अभियान शुरू करने वाली है। 10 जुलाई तक चलने वाले जागरूकता अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता दो बच्चे ही अच्छे का संदेश घर घर तक पहुंचाएंगे। बताएंगे कैसे इस मेघा अभियान के तहत योगी सरकार जनसंख्या जिहादियों पर चोट करने वाली है। ये वो बड़ी खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आप सबसे पहले नजर डालते हैं सुपर स्पीड 100 पर। उत्तर प्रदेश धर्मांतरण केस की एनआईए करेगी अब जांच पड़ताल। जांच की कमान एनआईए को मिली है। 8 राज्यों में फैले धर्मांतरण केस की जांच यूपी एटीएस ने एनआईए को सौंपी है। जांच एजेंसी ने यूपी एटीएस से मांगी है पूरी रिपोर्ट। पूरे केस की पड़ताल के लिए लगाई जा सकती है एनआईए की 2 यूनिट। धर्मांतरण से जुड़े हर कड़ी को जोड़कर किया जाएगा जांच पड़ताल। धर्मांतरण मामले में पकड़े गए दोनों आरोपी की जांच अब ईडी और इनकम टैक्स करेंगे। दोनों के अकाउंट में एटीएस की मिली विदेशी फंडिंग की जानकारी। जनसंख्या जिहाद करने वालों को योगी सरकार का तमाचा। यूपी में आज से 10 जुलाई तक चलेगा दो बच्चे ही अच्छे का बड़ा अभियान। अभियान के तहत दंपतियों की घर घर जाकर होगी काउंसलिंग। 11 जुलाई से जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की तैयारी। असम के बाद जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने वाला दूसरा राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश। यूपी में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लिंग। 25 गैंगस्टर से योगी सरकार ने वसूले 11 अरब 28 करोड़ रुपए। जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक 22,000 से ज्यादा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई। 25 माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत शिकंजा। यूपी में माफियाओं के हौसले पर चला बुलडोजर। हजारों करोड़ की चल अचल संपत्ति पर कार्रवाई। कोरोना से भारी तबाही के बीच वैक्सीनेशन में बड़ा फर्जीवाड़ा। कोलकाता से लेकर मुंबई तक नकली वैक्सीन के सिंडिकेट का खुलासा। कोलकाता में फर्जी वैक्सीनेशन ड्राइव का भंडाफोड़। बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती कोरोना के फ्रॉड टीके का हुई शिकार। वैक्सीन लेने के बाद मिमी चक्रवर्ती की बिगड़ी हालत। टीएमसी सांसद ने कोलकाता के एक कैंप में ली थी वैक्सीन की पहली डोज। कोलकाता पुलिस ने वैक्सीनेशन कैंप लगाने वाले फर्जी आईएएस अफसर को किया गिरफ्तार। आरोपी देवांजन देव के घर से कोविशील्ड के नकली लेवल और साथ ही साथ कई डॉक्यूमेंट भी बरामद। मिमी चक्रवर्ती के मुताबिक खुद को आईएएस अफसर बताकर देवांजन देव ने कैंप में बुलाया। ट्रांसजेंडर्स और दिव्यांगों के लिए स्पेशल ड्राइव को किया था दावा। कोलकाता में फर्जी वैक्सीनेशन के मामले में ममता बनर्जी सरकार ने 4 सदस्य कमेटी का किया गठन। देवांजन देव के घर मिली थी कोविशील्ड के फर्जी लेबल। पश्चिम बंगाल में करीब 1,500 लोगों को लगाई गई नकली वैक्सीन। मामले में सख्ती से जांच में जुटी पुलिस। फर्जी वैक्सीनेशन के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन। कानून व्यवस्था का हवाला देकर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। महाराष्ट्र में भी 2,000 से ज्यादा लोगों को लगाई गई फेक वैक्सीन। फर्जी वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों को नकली वैक्सीन लगाई गई। महाराष्ट्र में फर्जी वैक्सीन मामले में अब तक 8 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल के 2 डॉक्टरों समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र में फर्जी वैक्सीन मामले को लेकर प्रशासन सख्त। मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई। बिहार के छपरा में कोरोना वैक्सीन की जगह खाली इंजेक्शन लगाने का वीडियो हुआ वायरल। आरोपी नर्स सस्पेंड। वैक्सीन के नाम पर लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। नकली वैक्सीन बढ़ा सकता है कोरोना वायरस का खतरा। देश में कोरोना टीकाकरण कवरेज 32 करोड़ के पार। वैक्सीनेशन के नए फेज में तेजी से लग रहे हैं डोज। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच पीएम मोदी की बैठक। देखी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की पूरी जानकारी यहां पर लेते हुए नजर आए। दिसंबर तक पूरे देश का टीकाकरण करने का लक्ष्य दिया। दिल्ली में कल से लागू होगा अनलॉक पार्ट 5 की नई गाइडलाइंस। राजधानी में कल से जिम और योग सेंटर्स को खुलने की इजाजत। दिल्ली में शादी में शामिल हो सकेंगे 50 मेहमान। बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल और साथ ही होटल्स में शादी की इजाजत।
फिलहाल सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क और थिएटर खोलने की इजाजत नहीं है। स्विमिंग पूल और स्पा सेंटर को लेकर भी कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हुई। बिहार में बाढ़ और भारी बारिश से हाहाकार, बारिश ने 23 सालों का तोड़ा रिकॉर्ड। ज्यादातर नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। भारी बारिश की वजह से बिहार विधानसभा परिसर में भारी जल जमाव। पटना में डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर में भरा पानी। राजधानी पटना में प्रशासन के दावों के खुले पोल, भारी बारिश के बाद ज्यादातर इलाके जलमग्न। पटना में कुछ घंटों की तेज बारिश से कई इलाकों में जलजमाव। पूर्व मंत्री और विधायक नंदकिशोर यादव का आवासीय परिसर भी जलमग्न। पटना के बेऊर जेल में भी घुसा बाढ़ का पानी, कैदियों का सभी वार्ड हुआ पानी पानी। बिहार के पटना सिटी का एनएमएच हुआ पानी पानी। अस्पताल परिसर को लेकर वार्ड तक में भरा है बरसात का पानी। आईसीयू वार्ड में मरीजों को शिफ्ट किया गया है। महज चंद घंटों की बारिश ने खोली पटना नगर निगम के पोल, राजधानी को जल जमाव से मुक्त करने की सारी तैयारियां फेल नजर आई। पटना में भारी जल जमाव पर आरजेडी का जोरदार हमला, कहा बिहार सरकार के वादों की पोल खुल गई। पश्चिम चंपारण में बाढ़ की तबाही का मंजर, लोग सड़क किनारे जिंदगी बिताने को मजबूर नजर आए। बिहार शरीफ में मूसलाधार बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी है, लोगों की दुकानें और घरों में घुसा पानी। समस्तीपुर में बारिश ने लोगों का जीना किया मुहाल, सड़कों और गली मोहल्लों में जलजमाव से लोगों की बड़ी परेशानी। भारी बारिश के कारण समस्तीपुर के फायर स्टेशन में 3 फीट भरा पानी। जलजमाव के कारण कर्मचारियों को हो रही है बेहद परेशानी। हाजीपुर का सदर अस्पताल झील में हुआ तब्दील, अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी जलजमाव। बिहार के मुजफ्फरपुर में उपवंती नदी में बच्चों का हैरत अंगेज कारनामा, जान जोखिम में डालकर बच्चे कर रहे मस्ती। मोदी आज रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देश को करेंगे संबोधित। पीएम के को सुनने के लिए बूथ स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ता तैयारी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लेह लद्दाख दौरा, आज सेना की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। सेना प्रमुख नरवणे भी होंगे साथ। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक, पार्टी महासचिवों के साथ जेपी नड्डा ने मंथन किया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे और संजीव पलांदे को 1 जुलाई तक ईडी की रिमांड पर, अनिल देशमुख ने कोर्ट में पेशी के लिए मांगा वक्त। एलजेपी में घमासान के बीच चिराग पासवान ने एक बार फिर से पीएम मोदी की तारीफ की, कहा हनुमान के राजनीतिक वध की कोशिश की जा रही है लेकिन राम चुपचाप नहीं देख सकते। अभिषेक बनर्जी के करीबी और टीएमसी नेता विनय मिश्रा और उसके भाई विकास मिश्रा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, पशु तस्करी और कोल घोटाले में 6 करोड़ की संपत्ति के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नशे को खत्म करने के लिए दोहराई राष्ट्रीय ड्रग नीति की मांग, एसटीएफ पुलिस और साथ ही खुफिया विंग के बीच तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। पंजाब में बेअदबी के मुद्दे पर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, सिद्धू ने ट्वीट कर कहा राजनीतिक दखलअंदाजी के कारण 6 साल तक नहीं मिला न्याय। इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया कांच की छत वाला विस्टाडोम कोच, मुंबई पुणे डेक्कन स्पेशल ट्रेन में यात्रा के समय यात्रियों को मिलेगी सफर की शानदार झलक। श्रीनगर के बरबर शाह में आतंकियों ने की कायराना हरकत, सीआरपीएफ पार्टी पर ग्रेनेड से हमला, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर से दी क्रांति की धमकी, कहा बिना ट्रैक्टर दिल्ली नहीं मानती, जब भी आएंगे 4 लाख ट्रैक्टर आएंगे, सावधान रहे दिल्ली। राकेश टिकैत ने कहा हमने 2 यात्रा तैयार की है, 1 9 जुलाई को शामली से चलेगी और 10 को सिंगू तक पहुंचेगी, दूसरी 24 जुलाई को बिश्नौर से चलकर 25 को पहुंचेगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा हम किसानों को सरकार के खिलाफ भड़काएंगे, गांव में जाकर कहेंगे ये खराब पार्टी है, इसे वोट ना दिया जाए। यूपी के गोरखपुर में भिड़े बीजेपी और एसपी कार्यकर्ता, कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर चले लात घूंसे, पुलिस बनी रही मूकदर्शक। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एसपी के पंचायत सदस्यों को बंधक बनाने का आरोप, सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने होटल कंट्री इन के बाहर धरना दिया। यूपी में अखिलेश यादव ने पार्टी के 11 जिला अध्यक्षों को किया बर्खास्त, पंचायत चुनाव में हार से थे नाराज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नामांकन रद्द करने की मांग को लेकर बीजेपी और एसपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए, डीएम ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रपति के दौरे के बीच बीमार महिला की जाम में फंसकर हुई मौत, कानपुर पुलिस कमिश्नर ने मांग की माफी, दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर के खिलाफ तैयारी हुई तेज, सीएम तीरथ ने किया 5 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण, 1 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी शिलान्यास किया। बैंक वोट घोटाले में गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी कार्यवाही, बेअंत तिवारी समेत 11 लोग पर दर्ज किया गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा, अब तक 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की जब्त। उत्तराखंड के चमोली में आईटीबीपी के डॉग दस्ते के अहम सदस्य चौको हुई रिटायर, चौको के लिए आईटीबीपी ने रखी शानदार फेयरवेल पार्टी।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में सोना और कैश चोरी मामले में इनामी बदमाश सन्नी गिरफ्तार। 3.5 करोड़ कैश के साथ सोने के बिस्किट और 88 लाख के जमीन के कागजात बरामद। ग्रेटर नोएडा में बच्चे के विवाद में ससुराल और मायके पक्ष के लोग आपस में भिड़े। विवाद के दौरान अस्पताल के बाहर जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन क्लीन से खौफ में है अपराधी। थाने में आकर किया सरेंडर। भविष्य में अपराध नहीं करने की भी खाई कसर। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष बनना तय। सिर्फ बीजेपी उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा। समाजवादी पार्टी ने राज्य निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की। यूपी के मैनपुरी में जमीन विवाद में प्रधानपति और पूर्व प्रधान के बीच फायरिंग। गोली लगने से एक की मौत, 3 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के मथुरा में गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी थी गोली। चेन स्नैचिंग कर भाग रहे थे बदमाश। यूपी के सोनभद्र में लगातार हो रही बारिश से कच्ची दीवार गिरी। मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तराखंड के देहरादून में एसटीएफ ने किया अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। 2 गिरफ्तार अमेरिका के कस्टमर केयर अधिकारी बनकर करते थे ठगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद एमपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने भी की सीएम शिवराज के काम की तारीफ। बोले सीएम शिवराज के नेतृत्व में केंद्र और संगठन को भरोसा। मध्य प्रदेश के बैतूल में दूल्हे ने पेश की मिसाल। वैक्सीन लगवाने के बाद बारात निकाली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोगों ने की मंचले की धुनाई। पुलिस ने किया गिरफ्तार महिला को फोन पर करता था परेशान। मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह पर कसा शिकंजा। 5 करोड़ रुपए की 44 गाड़ियां बरामद। 4 आरोपी सलाखों के पीछे। मध्य प्रदेश के कटनी जिला अस्पताल में पुलिस कर्मी का हंगामा। पर्ची के विवाद में अस्पताल में जमकर की तोड़फोड़। मध्य प्रदेश के रतलाम में सेल्फी लेने के लिए ट्रेन के इंजन पर चढ़ा नाबालिग। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बुरी तरीके से झुलसा। अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के जयपुर नगर निगम की कार्यवाहक महापौर शील धाबाई पर जानलेवा हमला। घर के बाहर खड़ी कार पर सरियों और डंडों से क्या क्या हमला। एक बदमाश को भीड़ ने दबोचा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन के दौरान हुआ हंगामा। डॉक्टर पर लोगों ने किया हमला। राजस्थान के भरतपुर में चोरों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एलईडी चोरी कर भागते समय ग्रामीणों ने पकड़ा। खंभे से भांग कर चोरों को पीटा। राजस्थान के भरतपुर में गौतस्करी पर कार्रवाई। गौतस्करों के चंगुल से करीब 23 गौवंश को कराया गया मुक्त। गौकशी के लिए ले जा रहे थे गौवंश। राजस्थान के कोटा में घर में घुसकर गेहूं के 3 बोरे उठा ले गए चोर। सीसीटीवी में पूरी वारदात हुई जाए। हरियाणा की कैथल पुलिस ने ऑनलाइन मोबाइल ठगी का किया पर्दाफाश। 2 आरोपियों को 872 मोबाइलों के साथ गिरफ्तार किया। पंजाब के रूपनगर में नहर में नहाने के गए 3 बच्चे लापता। नहर के पास से मिले जूते साइकिल और कपड़े। पुलिस ने शुरू की बच्चों की तलाश। पंजाब के अमृतसर के अल्फा वन के पास 2 गुटों में झड़प। निजी चैनल के सदस्यों पर भी किया हमला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। भारत में जुलाई से मिल सकती है सिंगल शॉट जॉनसन एंड जॉनसन जॉनसन की कोरोना वैक्सीन। कीमत होगी 1,850 रुपए। कोरोना का फायदा उठाकर 1,47,000 नई कंपनियां बनी। हेल्थ और सैनिटाइजेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा उछाल। रुक नहीं रही है पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की रफ्तार। देश के 15 राज्यों में पेट्रोल हुआ 100 रुपए के पार। आज दुनिया का सबसे स्ट्रांग होटल ब्रांड जमशेदजी टाटा ने होटल खुल अंग्रेजों से लिया था अपमान का बदला। क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में भारी गिरावट। बिटकॉइन की कीमत 8% गिरी है। हफ्ते भर में 30% तक की गिरावट। यूएई में हो सकता है T20 वर्ल्ड कप। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा खिलाड़ियों की सुरक्षा जरूरी। 17 अक्टूबर को होगी T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत। खराब प्रदर्शन के चलते चेतेश्वर पुजारा और अर्जुन रहाणे पर लटकी तलवार। टेस्ट टीम से हो सकती है छुट्टी। युवराज सिंह के क्रिकेट के मैदान पर वापसी तय। क्रिस गेल और साथी डिविलियर्स के साथ खेलेंगे। एशिया में चल रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत को मिला 3rd मेडल। मनु भाकर और सौरभ ने 10 मीटर मिक्स इवेंट में सिल्वर जीता। सोनू सूद ने लॉन्च किया कवरेज ऐप। बोले ये ऐप ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी सहायता प्रदान कर सकेगा। जावेद अख्तर मामले की सुनवाई में स्थायी छूट चाहती है कंगना। याचिका में लिखा काम में व्यस्त होने की वजह से नहीं हो सकती हासिल। मलाइका अरोड़ा ने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर को खास अंदाज में किया बर्थडे विश। अर्जुन कपूर को बताया सनशाइन। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा। मैट हैनकॉक पर सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने का आरोप। ऑफिस में अपनी गर्लफ्रेंड को किया था किस। ऑस्ट्रेलिया में फिर से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। ताजा आंकड़ों और नए वेरिएंट को देखते हुए सरकार ने दिए सख्ती बढ़ाने के संकेत।
अमेरिका ने ब्राजील को भेजी 20 लाख जॉनसन कोरोना वैक्सीन। संकट की इस घड़ी में अमेरिका ब्राजील को अभी और 30 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक भेजेगा।